आज गुरु पूर्णिमा है, तो जितने भी सांसद यहाँ पर बैठे हैं सभी का नमस्कार करके आशीर्वाद लेती हूँ और अध्यक्ष जी का भी। तो मैं मुंबई जैसी शहर को, सिटी को बाजू में रखते हैं और सबसे पहला दुख अगर कोई देखता है तो महाराष्ट्र के किसानों के लिए बात करते हैं या सूखे के लिए बात करते हैं या आत्महत्या के लिए बात करते हैं। महाराष्ट्र पहले कुछ और चीज के लिए पहचाना जाता था और आज महाराष्ट्र कुछ और चीज के लिए पहचाना जाता है। पिछले 35 से 40 वर्षों में 3.5 लाख आत्महत्या किसानों ने की है पूरे देश में, और उसमें महाराष्ट्र में 80,000 किसानों ने अपनी आत्महत्या की है, और उसमें विदर्भ में सबसे पहले यवतमाल जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी। अपने साथ अपने पूरे परिवार को उन्होंने उस राह पे चलने के लिए मजबूर किया और पूरे परिवार को उस वर्ष में 33 साल पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार को समाप्त किया। सबसे दुखद बात है कि आज भी हमारे महाराष्ट्र में सूखा है, आज भी हमारे महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि मेरी मांग सिर्फ एक मंत्री महोदय से इतनी है कि हमारे जो किसान बोई से लेके कटाई तक जो मेहनत करते हैं, जो उनकी लागत लगती है, मुझे आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि हमारे महाराष्ट्र को आपके नजरों के सामने अपनी आंखों से देखकर उनकी स्थिति, जो उनकी मेहनत, जो उनकी लागत लगती है शुरुआत से कटाई तक, उन्हें राज्य सरकार को आपने, अध्यक्ष महोदय आपने आदेश देना चाहिए कि राज्य सरकार ने उनसे सीधी खरीदी करनी चाहिए, ना कि बिचौलियों को बीच में रखना चाहिए। आज किसी बच्चों को, किसानों के बच्चों को अगर शादी के लिए किसी लड़कों को पूछते हैं तो किसानों के बच्चों से शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं होती कि किसान का बच्चा, इनके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति आज हमारे देश में है। बिजनेसमैन हो या एजुकेशन फील्ड से कोई बिलोंग करता हो, शादी करना पसंद करते हैं। किसान पे इतना बड़ा गंभीर आरोप महोदय, हम जब ग्राउंड पे काम करते हैं, जब बेस में काम करते हैं, जब ग्रामीण में घूमते हैं, तो उनकी परिस्थिति जो हिसाब से है वो मुझे पूछिए, हम उतने तक पहुंचते हैं। इसमें बता रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे किसानों के बारे में ऐसा बोला। किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ, किसानों के बारे में नहीं, किसान के बच्चों के लिए। जब लेके जाते हैं रिश्ता तो बोलते हैं किसान का बच्चा, इनके घर में हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ये हालत हमारे यहाँ थी। आज सूखे के लिए किसी ने बहुत अच्छा हमारे जिले के लिए कहा है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना इस बार।